शानदार, बहुत ही शानदार। सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भगत सिंह यादव कृपया मंच पे आ जाए। गोरखपुर केसरी का पुरस्कार पूज्य महाराज श्री के हाथों से, गदा एवं नगद पुरस्कार राशि, पहलवान दौड़ कर आता है, जल्दी आता है पहलवान, और अनिल यादव जनार्दन यादव भी मंच के सामने आता है। गोरखपुर कुमार श्री अनिल यादव पूज्य महाराज श्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए, और इसके पश्चात गोरखपुर वीर अभिमन्यु श्री जनार्दन यादव, कृपया तीनों पहलवान आ जाए।